चित्तौड़गढ़ के जिला महिला बाल चिकित्सालय में मात्र 10 घंटे की मासूम बेटी को मजबूर मां पालने में छोड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ के महिला बाल चिकित्सालय में पालना गृह बना रखा है। इसमें 10 घंटे की बालिका, जिसने की अभी आंखें भी नहीं खोली, मजबूर मां ने मासूम को पालना गृह में छोड़ दिया। इसके बाद वहां तैनात कर्मचारी सूचना डॉक्टर को दी और डॉक्टरों ने मासूम की पूरी जाँच की। पालना गृह में रात को 8 बजे घंटी बजी तो ड्यूटी स्टाफ ने जाके देखा तो एक बच्ची वह थी पालना गृह में। उसको तुरंत हमने हमारे ICU में शिफ्ट किया। बच्ची को उसका वजन 2 किलो 200 ग्राम के करीब है। बच्ची वजन में कम है, नॉर्मल से वजन कम है। आज उसकी जांचें करा रहे हैं। अभी बच्ची की स्थिति स्थिर है और जाँचों के बाद पूरा मालूम पड़ेगा। किस माँ का पता लगा? नहीं, माँ का पता लगाने का तो कोई ऐसा। राजेंद्र अग्रवाल साहब का फोन आया कि पालने में रात को बच्ची आई है। उस आधार पर बाल कल्याण समिति के मैं और मेरे सदस्य सब आकर गए। आज शादी ब्याह होने से रुक नहीं पाए। जानकारी ली शांता नर्स, जो पालना का प्रभारी है, उसने बताया कि बच्ची स्वस्थ दिख रही है और 2-4 घंटे की पहले जन्मी हुई लग रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची बहुत सुंदर टी शर्ट और निकर में पहने हुए, और निकर के अंदर उसे डायपर भी पहना रखा है और नाभि धागे से बंधी हुई है। और लड़की नॉर्मल लग रही है लेकिन वजन कम लग रहा है। और तुरंत इन्होंने ICU में और डॉक्टर से बात हुई कि हम 3 दिन अपने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और जांचों की रिपोर्ट आएगी, अनुसार आगे कार्यवाही। बच्ची के स्वस्थ होते ही आपसे समाचार मिलते ही कि बच्ची स्वस्थ है, आप ले जाए हम हमारे राजकीय शिशु गृह में। जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।